कुशीनगर जिले के थाना कसिया क्षेत्र में बीते दिनों एक युवक की गला काटकर दर्दनाक हत्या की गई थी, जिसमें आज मामले का पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल द्वारा खुलासा किया जा रहा है। घटना में एक अभियुक्त के साथ दो नाबालिग लड़के भी शामिल थे, जिनको आज पुलिस द्वारा जेल भेजा जा रहा है। वहीं घटना का सफल अनावरण करने वाले पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक की तरफ से 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। क्या है मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। उसका खुलासा किया जाए, क्या था पूरा प्रकरण? जनपद कुशीनगर में 16 दिसंबर के दिन थाना कसिया क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति मुमताज, जिसका गला काट करके हत्या कर दी गई थी और इसका सर धड़ से अलग कर दिया गया था, इस संदर्भ में आज इसका सफल अनावरण किया गया है, इस जघन्य हत्याकांड का, जिसमें हमारी कसिया की टीम स्वाट और सर्विलांस की टीम शामिल है। इस घटना की पृष्ठभूमि ये थी कि जो मृतक है मुमताज, इसकी बहन का संबंध इसहाक नामक व्यक्ति के साथ था और वो इस प्रेम संबंध में बाधक बन रहा था, जिस क्रम में इसहाक नामक व्यक्ति के द्वारा मुमताज की हत्या की गई गला काट करके। इसमें दो नाबालिग लड़के भी शामिल हैं, जिनको भी पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है। इस प्रकार तीन लोग इस घटनाक्रम में पूरे तरीके से शामिल थे। इसमें जो काला कत्ल है उसकी भी बरामदगी कर ली गई है और शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है और इस सफल अनावरण के लिए पूरी संयुक्त रूप से तीनों टीमों को 25,000 रुपये के पुरस्कार की भी घोषणा की गई है। उस महिला का भी कुछ रोल है सर? नहीं, उस महिला का रोल नहीं है और प्रेम संबंध में ये बाधक था बेसिकली, और इसके पहले भी इनके बीच आपस में वाद विवाद की स्थिति बनी थी और इसी क्रम में आवेश में आकर उस दिन इस व्यक्ति के द्वारा उसके भाई की हत्या की गई है।